आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी से मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। सिर्फ 1 चम्मच घी का इस्तेमाल इस मिठाई को बनाने में हम करने वाले हैं, तो बहुत ही कम घी में ये मिठाई बनके तैयार तो होगी ही। और ये एक ट्रेडिशनल मिठाई है, हलवाई स्टाइल में आज मैं आपको ये खोपरा पाक बनाना बताने वाली हूँ। आप सही माप से बनाएंगे तो पहली बार में ही एकदम बढ़िया हलवाई जैसा सॉफ्ट और दानेदार खोपरा पाक बना करके तैयार कर लेंगे। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। खोपरा पाक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम मावा। आप घर का बना हुआ मावा ले, बाज़ार का ले सकते हैं, कोई भी मावा ले लें। ये घर पे बनाया है मैंने मावा। 150 ग्राम मैंने यहाँ पर चीनी ली है, आप 125 ग्राम भी ले सकते हैं। और 50 ग्राम हमें डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि खोपरे का जो बूरा आता है मार्केट में आसानी से मिल जाता है। बस इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल करके आज ये मिठाई हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा इन्ग्रीडियंट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसे बनाने में। तो सबसे पहले तो हमें मावे को सेक लेना है। आप कोई भी मावा ले, उसे सेके ज़रूर। मावे को हमें यहाँ थोड़ा सा कड़क करना है जिससे कि जो हमारी चक्की है वो अच्छे से जम पाएगी खोपरा पाक की। तो अच्छे मोटे तले की कढ़ाई ले या फिर नॉन स्टिक कढ़ाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और कढ़ाई में अच्छे से हमें इसको एकदम धीमी आंच पर 4 से 5 मिनट के लिए मावे को बहुत अच्छे से सेकना है। अभी आप देख रहे हैं कि ये कढ़ाई में चिपक रहा है, थोड़ा सा चिपचिपा सा इसका टेक्सचर लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये सिकता जाएगा ये थोड़ा सा इकट्ठा होने लगेगा, कढ़ाई को छोड़ने लगेगा। तो कंटिन्यू से आपको चलाते रहना है, नहीं तो कलर जो है कहीं से डार्क और कहीं से लाइट हो जाएगा मावे का। तो बस इसी तरीके से देखिए, अब इसने कढ़ाई को छोड़ना स्टार्ट कर दिया है और ये इकट्ठा होने लगा है। तो इस स्टेज पर हम इसे बोल के अंदर निकाल देंगे। और एक तरीका और बताती हूँ मावे को चेक करने का। आप क्या करें, जब आप मावा सेक रहे हैं 4 से 5 मिनट उसे भून लें, उसके बाद आप थोड़ा सा मावा हाथ में लेकर के इस तरीके से उसका एक गोला बनाकर चेक करें। अगर ये फिंगर्स पर चिपक रहा है तो यानी कि आपको इसे और सेकने की ज़रूरत है। अगर इस तरीके से इसने एक शेप ले लिया है पेड़े जैसा, यानी कि ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो मावा सेक चुका है, मावे को मैंने कढ़ाई से निकाल दिया है। और अब हम यहाँ चाशनी तैयार कर लेंगे। तो जो शक्कर हमने ली है वो डालेंगे, उतना ही पानी हम डाल देंगे सेम कटोरी के नाप से। मेज़रमेंट बराबर अगर रखेंगे ना तो बिल्कुल अच्छी मिठाई बनके तैयार होगी, एकदम बाजार जैसी। और अब हमें यहाँ पर इसकी कड़क चाशनी बनानी है। तो जो खोपरा पाक जमाने के लिए जो चाशनी होती है वो 1.5 तार के लगभग की चाशनी बनती है, यानी कि कड़क चाशनी होती है। तभी वो ठंडा होगा तो अच्छे से सेट हो पाएगा, नहीं तो जो खोपरा पाक है वो गीला गीला रह जाएगा। तो इसे उबलने दें, आप मीडियम फ्लेम पर इसे लगातार चलाते रहें। और ये देखिए, इस तरीके से चेक करेंगे तो ये एक बार में अगर चाशनी नहीं आती है फिंगर में, यानी कि इसे अभी और सेकने की ज़रूरत है और पकाने की ज़रूरत है। तो इसे अभी हम और पकने देंगे। और आप देख सकते हैं किनारों पर भी वाइट वाइट सा जो शक्कर का बूरा है वो बनने लगा है, यानी चाशनी कड़क होने लगी है। तो एक बार और चेक कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से 2 ड्रॉप ली है मैंने। ड्रॉप को हल्का सा ठंडा होने दें, उसके बाद इसे फिंगर से चेक करेंगे ना तो ये आसानी से आ जाएगी। ये देखिए, सेकेंड वाली थोड़ी ठंडी हो गई थी तो एक बार में उठ गई वहाँ से और फिंगर में आ गई, यानी कि चाशनी बन के बिल्कुल तैयार है। और आप अगर आपको फिंगर में चेक करना आता है 1.5 तार तो वैसा भी कर सकते हैं। चाशनी रेडी है, गैस बंद कर दिया है, कढ़ाई गर्म है। अब इसके अंदर हम इस मावे को डाल देंगे जो हमने पहले से भून रखा है, और गैस पर से इसे उतार देंगे। और बहुत अच्छे से हमें इसे फेंटना है। जितना ज़्यादा आप इसे फेंटेंगे आपका जो खोपरा पाक है उतना अच्छा जम के तैयार होगा। तो धीरे धीरे ये थोड़ा सा टेम्परेचर इसका कम होगा, इसमें थोड़ी टाइटनेस आने लगेगी। तो जितनी भी गुठलियाँ आपको दिख रही है मावे की, उसे सबको आपको तोड़ देना है इसके अंदर। इस तरीके से चम्मच को घुमाना है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से इसका टेक्सचर होने लगा है। और इसे इसी तरीके से हम 2 से 3 मिनट के लिए चलाते रहेंगे और फिर इसके अंदर साथ में खोपरे का बूरा भी डालते जाएंगे। तो पहले नहीं डालेंगे, पहले डालेंगे तो उसे मिक्स करना बहुत दिक्कत का काम हो जाएगा। तो बाद में डालें, थोड़ा सा जब सारी गुठलियाँ निकल जाए मावे की उसके बाद। और खोपरा डालते ही ये देखिए, इसका टेक्सचर थोड़ा सा टाइट होने लगा है, जमने जैसी कंसिस्टेंसी होने लगी है, ये थोड़ा ठंडा भी होने लगा है। तो बस इसे हम इसी तरीके से अच्छे से मसल मसल करके 3 से 4 मिनट के लिए और फेंट लेंगे। और अब मैंने इसे गैस पे रख दिया है, गैस की आंच एकदम धीमी करी है और सिर्फ 1 टीस्पून हमें इसमें घी ऐड करना है जिससे कि जो खोपरा पाक है उसमें थोड़ी सी शाइन आएगी और जो है वो सूखा सूखा नहीं रहेगा। तो आप चाहें तो डालें, नहीं तो ये पार्ट स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको ड्राई वाला खोपरा पाक पसंद है तो। और बस इसमें हल्का सा एक बॉईल आने देंगे, यानी कि इसे थोड़ा सा गर्म होने देंगे, उसके बाद गैस से फिर से उतार देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इसे फेंटेंगे और फिर इसे जमा लेंगे।
तो ये देखिए मैंने इसे बहुत अच्छे से फेंट लिया है और अभी ये देखिए कितना थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। अभी इसको हम आराम से जमा सकते हैं। तो एक प्लेट को अच्छे से घी से ग्रीस कर देंगे। आप कोई भी मोल्ड ले सकते हैं, कुछ भी ले के उसमें जमा दें। सारा इसमें आ गया है एक बार में प्लेट में, और इसे मैं इस तरीके से थोड़ा सा फैला रही हूँ और फिर इसे हम पटक पटक के एक जैसा कर देंगे। आप ऊपर चाहें तो चांदी का जो वर्क आता है वो लगा सकते हैं, या फिर पिस्ता से गार्निश कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट से कर सकते हैं। तो मैंने तो इसे पिस्ता से गार्निश किया था। और ये देखिए अब इसे हम जब तक ये सेट नहीं हो जाता तब तक अच्छे से जमने देंगे। डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कैसा है। और ये देखिए अच्छे से हमारी चक्की जो है वो जम के तैयार हो गई है। और अब फटाफट से इसके पीसेस कट कर लेंगे। तो आप जिस साइज़ के चाहें उस साइज़ के कट कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है ये मिठाई बनाना, आपको बस मेज़रमेंट का ध्यान रखना है और चाशनी बना करके ये देखना है कि चाशनी जो है आपको कड़क चाशनी चाहिए। नरम चाशनी में जो है ये चक्की जम के तैयार नहीं हो पाएगी, गीला गीला ही रह जाएगा आपका मावा जो है। तो बस दो तीन टिप्स का ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल हलवाई जैसा खोपरा पाक घर पे बना लेंगे आप। और भी मिठाई की रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, लिंक बहुत सारे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हुए हैं, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए एकदम सॉफ्ट खोपरा पाक बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। और अगर आप इसे फ्रिज में स्टोर करना चाहते हैं तो 5 से 7 दिन से भी ज़्यादा ये चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा दिन रखेंगे तो ये थोड़ा ड्राई हो जाता है रखे रखे। और अगर आप फ्रिज के बाहर इसे रख रहे हैं तो 2 से 3 दिन में इसे ख़त्म कर लें, क्योंकि मावे की मिठाई है ज़्यादा दिन नहीं चलती है। बस इन 2 से 3 बेसिक से टिप्स को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो बिल्कुल बढ़िया हलवाई जैसी मिठाई आप घर पे बना लेंगे और सब आपकी मिठाई खा करके तारीफ़ ज़रूर करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियोस को शेयर ज़रूर करिए ताकि ये वीडियो सबके पास पहुंच सके। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलती हूँ एक और नई और टेस्टी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।